बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी का बीते दिन जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। एक्टिंग में उन्होंने 1962 में कदम रखा था। बॉलीवुड में उन्होंने 1968 में आई फिल्म सपनों के सौदागर से लीड रोल निभाया और इसके बाद उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बता दें, वैसे तो हेमा मालिनी की एक्टिंग की चर्चाएं चारों तरफ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो हेमा का जिक्र होता है धर्मेंद्र, जी हाँ, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की थी, साथ ही बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल के साथ। साल 2017 में हेमा मालिनी ने अपना बायोग्राफी बुक लॉन्च किया था, जी हाँ, जिसे राम कमल मुखर्जी ने लिखा था। इस दौरान उन्होंने इस इवेंट में सनी देओल से अपने रिश्ते पर खुलकर बात भी की थी। हेमा ने बताया कि हर कोई सोचता है कि मेरे सनी से कैसे रिश्ते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते खूबसूरत और अच्छे हैं। जब भी ज़रूरत होती है सनी अपने पिता धर्मेंद्र के साथ मौजूद रहते हैं। मेरे एक्सीडेंट के समय भी वो साथ में थे, उस वक्त मेरे से मिलने वाले वो शख्स पहले थे। उन्होंने पूरी इच्छा के साथ, जी हाँ, इच्छा के साथ उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें सुनी और मेरे ऊपर, जी हाँ, मुझे लेकर के जो भी डॉक्टर्स बातें बता रहे थे उसे भी वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।